Hello students, I welcome you in this e-class on the topic metal ligand bonding in transition metal complexes. So in the past lecture we went through the elementary idea of crystal field theory. Okay, that is crystal field splitting. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो crystal field theory है किस assumption पे based थी कि in the complexes, the bond between the metal and ligands, they are of ionic nature. यानी कि metal और ligands जो हैं एक दूसरे से electrostatic force of attraction से बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना। अब जो भी central metal atom है उसके चारों ligands द्वारा जो बनाया गया field है basically उसी तरह का होता है जैसा कि ionic crystal में cation के चारों और जो एनायन का जो फील्ड होता है, ऋणायनों का जो फील्ड होता है उसी तरह का होता है। तो इसी वजह से हमने इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नाम दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स में जो है आयनिक बॉन्ड्स का जो है मेन रोल होता है, और जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके इलेक्ट्रॉनों पे जो लिगेंड्स या इनको बोल सकते हैं कि जो ऋणायन है उनके द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण की उपेक्षा कर दी जाती है, क्योंकि आयनों के मध्य जो आकर्षण बल की तुलना में जो ये प्रतिकर्षण बल है वो काफ़ी दुर्बल होता है, केवल 10% ही होता है। तो जो कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल कैटायन और लिगेंस के बीच में जो बंध है बेसिकली एक तरह का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मान सकते हैं उसको, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार तो मेटल लिगेंड जो हैं वह उसको आपस में जो है आयनिक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। तो जो मेटल का जो डी ऑर्बिटल का लीगेंड ऑर्बिटल के साथ जो है ओवरलैपिंग जो है वो फॉरबिडन हो जाता है ना। तो अब सिंस जितने भी लीगेंड्स हैं जो चाहे वो न्यूट्रल हो या ऋणायन हो, उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो होता ही है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मेटल सेंट्रल मेटल एटम के नज़दीक पहुंच के एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा कर देता है ना। तो इस प्रकार लिगेंड किस तरह से काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह से काम करेगा। तो इन लिगेंडों का फील्ड जहां मेटल आयन के साथ एक तरह का अट्रैक्शन आकर्षण बल उत्पन्न करेगा, वहीं धातु के जो मेटल एटम के जो डी कक्षक हैं उनको भी रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो ये जो रिपल्शन फोर्सेस हैं ये नॉर्मल जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अपोजिट कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए कि जो जो पॉइंट चार्ज हैं लिगेंड उनके द्वारा लगाया गया जो प्रतिकर्षण है सभी मेटल के सभी डी ऑर्बिटल्स के लिए एक समान नहीं होता है ना। व्हाई? बिकॉज द डी ऑर्बिटल्स दे हैव डिफरेंट शेप्स। तो इन द पास्ट लेक्चर वी वेंट थ्रू द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो हमने आपको बताया था कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड जो चार जो डी ऑर्बिटल हैं ये तो एक तरह का जो क्लोवर लीफ होती है उसकी शेप के होते हैं, है ना। और जो एक डी जेड स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप्ड होता है। तो हमने इनको डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है जो ये डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड ऑर्बिटल हैं ये दे आर ओरिएंटेड इन द थ्री प्लेन्स एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड रिस्पेक्टिवली ना, विद देयर लोब्स सिचुएटेड बिटवीन दीज टू एक्सेस। और चौथा वाला जो ऑर्बिटल है हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज ओरिएंटेड इन द एक्स वाई प्लेन विद इट्स लोब अलॉन्ग द एक्स एंड वाई एक्सेस। ये सब वी वेंट थ्रू इन द लास्ट लेक्चर। नाउ टुडे वी विल फोकस ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो यू सी पोजिशन ऑफ लिगेंड्स डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट वी नो सिंस कार्टेशियन एक्सिस, हेंस द डायरेक्शन ऑफ द लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स दे आर फिक्स्ड। The geometry of a complex plays an important role in determining the inter-electronic repulsion between the metal and ligands. ठीक है ना? And the principle that holds good is that the orbitals nearer to the ligand,
जो ऑर्बिटल लिगेंड के पास में होंगे, निकटतम होंगे, दे आर रिपल्ड मोर नेचुरली. तो इफ अ डी ऑर्बिटल इज ऑफ हायर एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री, इट मे बी लोएस्ट इन सम अदर ज्योमेट्री. तो इस तरह से वी आर बेसिकली डीलिंग विद द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इन दिस थ्योरी. ओके, तो जब हम क्रिस्टलफील्ड थ्योरी में कॉम्प्लेक्सेस का अध्ययन करते हैं, तो मेटल इज अज्यूम टू बी एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड द लिगेंड्स एट इनफाइनाइट. ठीक है ना? तो दिस स्टेट इज, हालांकि हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इन विच द मेटल इज आइसोलेटेड, यानी कि नो एटम, कोई भी इसके पास में नहीं है, कोई एटम, कोई आयन और कोई भी पड़ोस में कोई भी आयन या एटम या मॉलिक्यूल नहीं है टू इंटरैक्ट. एंड नाउ इट हैज़ ऑल दी फाइव ऑर्बिटल, मेटल की जितने भी पांच डी ऑर्बिटल हैं, नाउ दे आर सपोज टू बी डीजनरेट, है ना? दे आर ऑफ सेम एनर्जी लेवल. तो लिगेंड्स आर नाउ ब्रॉट टू द मेटल, जैसे लिगेंड पास में आएंगे, नज़दीक आएंगे मेटल के, सो दैट देयर फाइनल पोजिशंस गिव अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजायर्ड ज्योमेट्री. ठीक है ना? तो डायरेक्शन ऑफ अप्रोच इज द लाइन फ्रॉम इनफाइनाइट टू द मेटल एंड पासिंग थ्रू द फाइनल लिगेंड पोजिशन. और लिगेंड्स जो हैं, दे बिगिन टू इंटरैक्ट विद द मेटल व्हेन दे आर एट सम डेफिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द मेटल. ठीक है? तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा कि जो डिजेनरेसी ऑफ द मेटल डी ऑर्बिटल, इट इज रिमूव्ड, है ना? एज ऑल द डी ऑर्बिटल्स दे आर नॉट रिपल्ड टू इक्वल एक्सटेंट, मतलब क्योंकि दे हैव डिफरेंट शेप्स, दे आर लाइंग अलोंग डिफरेंट एक्सिस, तो उनका जो जो स्प्लिटिंग होगा, जो उनका जो अलग अलग एक्सटेंट तक होगा, है ना? तो स्ट्रांगली रिपल्ड ऑर्बिटल जो है, दे बिकम हाई एनर्जी ऑर्बिटल एज द स्प्लिटिंग डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑर्बिटल रिमेन्स द सेम. ठीक है ना? ये तो ठीक है. कॉन्सिक्वेंटली सम ऑर्बिटल्स दे आर लोअर इन एनर्जी एंड सम दे गो टू द हायर एनर्जी लेवल. तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ मेटल ऑर्बिटल कॉज्ड बाय अप्रोचिंग लिगेंड, कॉज्ड बाय क्रिस्टल फील्ड ऑफ लिगेंड, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिटेड ऑर्बिटल, विच इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा और 10 dU³, इज नोन एज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, जिसको हम CFST के नाम से जानते हैं. ठीक है? तो क्लियरली द मेटल इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ टेंड टू ऑक्यूपाई द स्प्लिटेड ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी. ठीक है ना? उनके लिए लोअर एनर्जी में ज़्यादा ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा. तो वी नो दैट द ऑक्यूपेशन ऑफ हाई एनर्जी कॉजेस, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाने से तो क्या कॉम्प्लेक्स में डीस्टेबलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है ना? एंड व्हेन दे ऑक्यूपाई द लो एनर्जी ऑर्बिटल, इट कॉजेस स्टेबलाइजेशन. तो द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको कि अपन बात कर चुके हैं. CFSE डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 10 dU³ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट फाइव डी ऑर्बिटल विच आर इन द बी पोजिशन, दे आर डीजनरेट, दे आर ऑफ द सेम एनर्जी. और जब लिगेंड्स उनके पास में आते हैं, तो किस तरह से पोजीशन ए एंड सी में उनका स्प्लिटिंग हो जाता है. दे गो टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो दे विल गो टू टी टू ई जी ऑर्बिटल है, दे विल गो टू हायर एनर्जी. एंड टी टू जी जो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दे विल गो टू लोअर एनर्जी. एंड इफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, देन रिवर्स हैपन्स. सी, तो इस थ्योरी की सहायता से एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज लाइक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, है ना, विच इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी,
दिग इट कुड बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो ये हम हायर लेवल पे नेक्स्ट मतलब इसी क्लास में नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो हियर इन द स्क्रीन यू कैन सी द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड। अब आप जानते ही हैं कि लुक एट दिस स्क्रीन, जब ऑर्बिटल्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू अ क्रिस्टल फील्ड डिजेनरेसी डिसअपियर्स। ठीक है, हट जाती है डिजेनरेसी। एंड द नाउ यू शुड नोटिस दिस दैट द एक्सटेंट एंड द टाइप ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से होता है। तो अच्छा, ये भी आपको बताया कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एनर्जी शिफ्ट्स ऑफ ऑल द ऑर्बिटल इज ज़ीरो। ठीक है ना, यानी कि टोटल एनर्जी इन द एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन एनर्जी, है ना। सो दिस इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल। क्या मतलब हुआ इसका कि जब मेटल के डी ऑर्बिटल्स की डी जनरेसी लिफ्ट हो गई तो हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में जितना जो एनर्जी इंक्रीज हुई और लोअर लेवल पे जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी में जितनी कमी हुई, ये दे आर इक्वल। तो टोटल एनर्जी में जो चेंज हुआ दैट इज़ ज़ीरो। तो दिस इज़ नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विच कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल इन द प्रेजेंस ऑफ लीगेंस अप्रोचिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टू असाइन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल नाउ फोकस ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सी यू देयर, गुड बाय।